बदलते परिवेश में हमारी जीवन शैली सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, जिसका पूरा असर इंसान के शरीर को झेलना पड़ता है। इस तरह शरीर कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता है, जिसमें कि मुख्यतः डायबिटीज़ की बीमारी ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। लेकिन इस बीमारी को अनदेखी करने के दौरान मरीज को जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर प्रदीप गेट जी का कहना था कि इस बीमारी की वजह से हमारे देश में ग्लूकोज स्ट्रिप्स की भारी मांग है। कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक पेशेंट अगर है तो उसने ग्लूकोमीटर रिपीटेडली यूज़ करना चाहिए। उसके इंसुलिन के डोजेस वगैरह ग्लूकोमीटर के रीडिंग पर डिपेंड करते हैं। जैसे प्रेग्नेंट डायबिटिक पेशेंट तो उनमें बहुत स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पेशेंट में लिटरली सात सात आठ आठ बार भी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और किडनी पेशेंट्स है तो उनमें ऑफन मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे हैं, ऑफन मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है छोटे बच्चों में जिनको डायबिटीज़ होता है। तो इनमें कम से कम 6 से 8 बार तक मॉनिटरिंग हो सकता है। ग्लूकोज स्ट्रिप्स के उत्पाद लागत मात्र 50 पैसे है, जिसे मरीज को 25 से 30 रुपए में बेचा जाता है। जिन लोगों को दिन में एक से ज्यादा बार अपने ब्लड ग्लूकोज का स्तर जांचने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें प्रतिदिन 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं होता। लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्त में ग्लूकोज की जाँच में खर्च करते हैं। वैसे तो सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं जिसमें दवा के दाम कम होंगे, लेकिन डायबिटीज पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिली। टाइप 1 के डायबिटीज़ के पीड़ितों को 3 से 4 बार अपनी जांच करानी पड़ती है। इतनी महंगी कीमत होने की वजह से यह खर्च उठाना हर एक के लिए संभव नहीं है। कैमरामैन संदीप के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज़, मुंबई।